और आकर के फिर सभी लोग लूट लाट करके सब खाया करते। अच्छा, और ये कृष्ण का सिंहासन है। अच्छा, उधर में और चारों तरफ में खाली कटोरी चारों तरफ में बनी हुई है, जहाँ जो पाता वहीं पर खा लेता। अभी हम लोग लेकर के ले लेंगे, तब फिर एक बार इसकी धूरी सी बात सब लोग लेंगे। प्रथम जल तक कुछ है हरे कृष्णा शंका होती है कि किसी ने पीछे से इसको खोद करके बना दिया, ऐसा मत समझना। क्यों? इसके बहुत से कारण हैं, बहुत से प्रमाण हैं। क्या आज से 5000 वर्ष या और कितना वर्ष, हजार वर्ष पहले पुराण लिखा गया है, और प्रत्येक पुराणों में ही कृष्ण की लीलाओं के संबंध में, गर्ग संहिता में ये सब का उल्लेख है, भोजन थाली का, और उसमें भोजन की थाली हुआ है और सखाओं लोगों के साथ में खाया करते। शंकराचार्य जी आए, उसके बाद में मध्वाचार्य, रामानुज भी आचार्य, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य भी आज से कितना कितने 100 वर्ष पहले आए, 600 वर्ष, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए और आकर के इनका दर्शन किया और यहाँ की धूली लिया और नित्य कीर्तन करते थे, प्रेम में आविष्ट हो जाते थे। जब हम लोग एक बार पहले आए
इसका पानी इतना सुंदर स्वच्छ था और इसमें सिंघाड़ा इसमें पानी फल एकदम इतना सुंदर सब लोग खाने लग गए उसमें लेकर के। वो आदमी आया लठिया लेकर के, फिर हमने कहा पैसा ले लो भाई, यहाँ पर मूली इत्यादि होता था, हमने सोचा कि मूली है तो आप लोगों को मूली खिला दे। तो मूली काजी ने कहा तो कह है तो दो चार किलो ले आना पैसा देकर। इसके बाद में यहाँ पर कृष्ण की सब लीलाएं हो आकर्षित थी, वो चार अरे 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 এইখানে কৃষ্ণের কত রকমের যে লীলা হতো তাহার ইয়ানে এইখানে যশোদা মায়ের পিহর। পিহর মানে কি? বাপের বাড়ি যশোদা মায়ের, কৃষ্ণের মামা বাড়ি এইখানে। আর এইখানে পাণ্ডবের স্থান আমরা যাবো, ওখানে দেখাবো। এখানে দুর্যোধনকে গন্ধর্বরা পরাস্ত করেছিল। এইখানে দুর্বাসা ঋষি তিনি এসেছিলেন পাণ্ডবগণ কাছে, পাণ্ডব কি হ্যাঁ আয়ে থে 60,000 শিষ্য কো লেকর কে যে যুধিষ্ঠির ইত্যাদি কো হম অভি সম্পাদ দে দেঙ্গে, কিন্তু ইহি পর উনকা মান মর্দন হো গয়া, ইয়াহ সে ভাগ গয়ে। কৃষ্ণ নে থোড়া সা খা লিয়া, সাত অকা দে তৃপ্ত স্মৃতি পেট ফুল গয়া, বস ভাগ গয়ে। ইহা পর পাণ্ডব লোক বহু দিনো তক গুপ্তবাস কিয়া। यहाँ पर कामेश्वर महादेव समस्त प्रकार की कामना पूर्ण करते हैं। यहाँ पर कितने सैकड़ों कुंड हैं, लुकलुकी कुंड, जहाँ पर की बच्चे सब डूब करके और खेल में फिर ऊपर जाते थे। श्रीमती राधिका जी एक किनारे में खड़ी रहती और सखा लोग एक तरफ में स्नान कर रहे हैं, वो भी एक मील दो मील लंबा। ऐसा यहाँ पर पोखर भी है, एक मील तो नहीं किंतु थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। बस कृष्ण वहीं से डूब करके घड़ियाल बनकर मगर बनकर के उस पार निकल जाते और उनका पैर पकड़ लेते, कहिए क्या पकड़ लिया, और इतने में छोड़ करके फिर जहाँ रहते थे वहां चले जाते। यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती काशी ने भजन किया था, उनकी निष्ठा कैसी है। हमारे पास में पैसा नहीं, वृंदावन कैसे जाए, घर बेच देंगे, घर नहीं है तो लड़की है तो उसको भी बेच देंगे, किंतु वृंदावन जाएंगे। अभी लड़की भी बेचने के लिए नहीं है, कोई नहीं लेगा तो क्या करेंगे, बीच बाजार में खड़ा कर उसको खड़ा कर देंगे। अभी हम वृंदावन जरूर जाएंगे, अर्थात मान सम्मान सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में हमको जाकर के भजन करना है। तो यहाँ पर बहुत दिनों तक उन्होंने भजन किया था। यहाँ पर 84 कुंडी या कितने हैं, नंद का भवन जिसमें 84 खंभे हैं, इधर से गिनो तो कोई बढ़ जाएगा, इधर से गिनो तो कम जाएगा, वो पूरा ठीक ठीक आता नहीं है। यहाँ पर यक्ष और अर्जुन उनका पांडवों का दुर्गेश महाराज का संवाद हुआ था। किम आश्चर्यम, क्या आश्चर्य है, वहाँ पर हम सब सुनाएंगे। ऐसी ऐसी सब लीला स्थली है कृष्ण की, यहाँ पर सब सुंदर रूप से ये सब हुआ। हम लोग लीला स्थली को प्रणाम करके और सफर आगे चलते हैं। वही पर चलो, सभी 5 मिनट और धैर्य रखो, कृष्ण का प्रसाद मिल जाएगा।